डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वेरियस स्ट्रिंग फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। तो ऑलरेडी मैंने आपको स्ट्रिंग्स के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी दे चुका हूँ, और एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लेना ताकि आपको बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग के बारे में पता लग जाए। ऑल्दो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, इवन आपके इंटरव्यूज के लिए ये सारी वीडियोज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना ये जो आपके फंक्शंस है, जो स्ट्रिंग्स से रिलेटेड फंक्शंस है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे जो स्ट्रिंग फंक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है वो भी, जो मतलब एग्जिस्ट करते हैं मैक्सिमम फंक्शंस जो है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें ताकि आपको सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जितने भी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं ये कौन सी हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइंड है। तो ये स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल हम लोग यूज करते हैं, जैसे stdio, math.h हम लोग यूज करते हैं, ऐसे ये सारों के सारे जो स्ट्रिंग फंक्शंस हैं इनकी जो डेफिनेशन है, यहां पे तो हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं ना, इनका नेम हम डायरेक्ट यहां पे यूज कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है वो कहां पे है, किस लाइब्रेरी फंक्शन, किस लाइब्रेरी, किस हेडर फाइल के अंदर है, तो वो है आपकी स्ट्रिंग डॉट एच। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। देन सबसे पहला यहां पे आता है strcat। यहां पे याद रखना str जो है वो सारों में ये क्या है, स्ट्रिंग है, और यहां पे आ गया cat, तो ये क्या है, कंकैटिनेशन। तो यानी कंकैटिनेट स्ट्रिंग टू एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग वन। सिंपल सा पॉइंट है कि लेट्स सी, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, मैंने लिखा यहां पे strcat str1 str2, मतलब मेरे पास दो स्ट्रिंग्स दे रखी है, स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू, और मैंने क्या किया, str cat स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू। इसको सिंपल से पॉइंट से याद रखना, कई बार बहुत स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डेस्टिनेशन है, सोर्स है, ये इसके पीछे लगेगा, ये इसके पीछे क्या होगा। भैया सिंपल सी बात है, ये आपका होता है टारगेट स्ट्रिंग और ये होती है आपकी सोर्स स्ट्रिंग, ठीक है। नहीं भी याद रखना तो आप डायरेक्ट याद रखो कि str1 str2 है ना, तो कौन सा बाद में, str2 है, तो str2 जो है वो str1 के पीछे जाके कंकैटिनेट हो जाएगा, मतलब उसके पीछे जाके जुड़ जाएगा। नहीं समझ आया, तो यहां पे एग्जांपल से देख लो, मेरी str1 क्या है, वर्ब, str2 क्या दे रखी है, स्ट्रिंग 2 कौन सी है, सिंगला। तो मैंने अगर str कंकैटिनेट str1 2 किया तो क्या आउटपुट आएगी, वरुण सिंगला, दैट्स इट, ठीक है जी। अब यहां पे सिंपल सा पॉइंट, अगर आप उल्टा कर दोगे str2 को मैं str1 कर दोगे तो सिंगला आगे आ जाएगा, वरुण यहां पे चला जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट यहां पे इनके हिसाब से पूछ ले कि जैसे हम लोग जब वरुण यहां पे डिफाइन करेंगे, जब मैंने यहां पे करेक्टर एरर लिया ये वाला, तो इसके भी लास्ट में क्या होगा, नल करेक्टर होगा ना, और इसके भी लास्ट में क्या होगा, नल करेक्टर होगा। तो जब हम इन दोनों को कंकैटिनेट कर देंगे तो वरुण के बाद वाला जो नल करेक्टर है वो एक तरह से मतलब एक तरह से वो ओवरराइट हो गया, वहां से आपका सिंगला स्टार्ट हो गया, एस स्टार्ट हो गया, तो फिर नल करेक्टर ऑब्वियसली कहां पे आएगा, लास्ट में आएगा। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कोई ज्यादा ऐसे क्रैम करने वाली चीज ही नहीं है। ऑब्वियसली जब ये स्ट्रिंग वरुण और सिंगला दो अलग अलग थी, अब इकट्ठी हो गई, ये वरुण सिंगला बन गया, नल करेक्टर क्या होता है, लास्ट वाला, तो ऑब्वियसली लास्ट तो फिर यही हुआ ना, क्योंकि ये आपकी न्यू स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। तो बस ये पॉइंट याद रखना। देन strncat, अब इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पे बीच में आपको n दिख रहा है, और इसका पर्पस क्या है कि आप सारी स्ट्रिंग को दूसरे के साथ कंकैटिनेट अगर नहीं करना चाहते, पर्टिकुलर करेक्टर्स को ही करना चाहते हो, देख लो ये भी, जैसे मैं यहां पे str1, str2 कर दूं और इसके साथ ही मैं यहां पे लिख दूं, इसके साथ ही मैं यहां पे 3 लिख दूं, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि str2 को पूरे के पूरे को कंकैटिनेट मत करो, सिर्फ पहले 3 करेक्टर्स को कर दो, दैट्स इट। मतलब यहां पे str1 तो वरुण ही थी, वो तो वरुण की वरुण ही रहेगी, दूसरी जो स्ट्रिंग थी जो मैं पहले पूरी कंकैटिनेट कर रहा था, पूरा सिंगला यहां पे लिख रहा था, अब मैं सिर्फ 3 करेक्टर लिखूंगा, मतलब आपका sin आएगा, दैट्स इट। अगर आप 3 की जगह 4 करोगे तो 4 आ जाएंगे, 2 करोगे तो 2 आ जाएंगे, 0 करोगे तो कोई नहीं आएगा, बस ये सिंपल सा पॉइंट है, और आपका जो नल है वो लास्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। देन strcpy, CPY का होता है कॉपी, ठीक है, CPY की कॉपी, तो कॉपी स्ट्रिंग 2 इनटू स्ट्रिंग 1, कंकैटिनेट में हम पीछे जोड़ देते हैं,
कॉपी में पहले वाली को ओवरराइट करके दूसरे वाली उसकी उप जगह पे लिख देते हैं। जैसे इसी एग्जांपल से ले लो, लेट्स से मेरी पहली स्ट्रिंग है वरुण, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग क्या है मेरी सिंगला, ठीक है। अब यहां पे भाई मतलब str cat की जगह मैं str cpy कर दूं और स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2 कर दूं और यहां से आप 3 हटा दो एक बार, ठीक है, बस सिंपल str cpy स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2। होगा क्या, स्ट्रिंग 2 कॉपी हो जाएगी स्ट्रिंग 1 की जगह पे, ठीक है। मतलब आपका फाइनल आउटपुट क्या आएगा, वरुण एक तरह से हट गया और आपका सिंगला जो है वो कॉपी हो गया, आउटपुट में क्या आएगा, सिंगला आएगा, ठीक है। अब यहां पे लेंथ में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि यहां पे वरुण जो है वो 5 कैरेक्टर का है, सिंगला जो है वो 6 कैरेक्टर का है, भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपकी स्ट्रिंग 2 है ना, जितनी भी उसकी लेंथ है वो एज इट इज यहां पे कॉपी हो जाएगी। मतलब अगर यहां पे मैं एक तरफ लेट से स्ट्रिंग 1 में ले लूं अकेला v और दूसरी तरफ मैं ले लूं singla, तो होगा क्या, आपका v हटके सीधा सिंगला जो है वो उसकी जगह कॉपी हो जाएगा। सिंपली बस स्ट्रिंग 2 को कॉपी कर दो, स्ट्रिंग 1 एक तरह से खत्म हो गई, उसकी जगह स्ट्रिंग 2 आ गई, बस ये लाइन याद रखना कि स्ट्रिंग 1 खत्म हो गई, उसकी जगह स्ट्रिंग 2 आके बैठ गई, दैट्स इट। देन str n cpy, अब यहां पे भी आ गया वेरिएशन इसका। अब str n cpy क्या है, यहां पे वही चीज आ गई कि अब हम चाहते हैं कि सारे के सारे को कॉपी ना करें, पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को करें। मतलब आपका str cpy, लेट्स से वहीं पे मैं दोबारा से यहां पे चेंज कर देता हूं, str cpy यहां पे मेरी स्ट्रिंग 2 थी और लेट्स से मैं 3 कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या बनेगा, str cpy str n कर लो यहां पे, str n cpy मतलब स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2 कॉमा 3। इसका मतलब क्या बना, स्ट्रिंग 1 तो आपकी एज इट इज ही है, स्ट्रिंग 1 कौन सी आपकी, वरुण, ठीक है, स्ट्रिंग 2 क्या है, सिंगला, और मैंने साथ में क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है, ये याद रखना। यहां पे अब मैं n कर देता हूं यहां पे, ठीक है, पहले वाले में भी आप str cat था और दूसरी बार में str n था, तो मे भी शायद मैंने यहां पे लिखा नहीं होगा, बट आप बाय डिफॉल्ट आपको समझ तो आ ही गया, ठीक है, कॉमा 3। अब इसका क्या मतलब बना, कॉमा 3 मतलब कि आप पूरे के पूरी को इसकी जगह कॉपी मत करो, सिर्फ 3 कैरेक्टर्स को, 3 कैरेक्टर मतलब कि पहले 3 कैरेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, S I N आ जाएगा, क्योंकि 3 कैरेक्टर कौन सी है, S I N, तो V A R की जगह क्या आ गया, S I N आ गया और लास्ट के 2 कैरेक्टर एज इट इज आ गए, क्लियर है। बस ऐसे ही लेट्स से मैं यहां पे अगर 2 कर दूं, तो 2 करोगे तो क्या होगा, पहले 2 करेक्टर कौन सी है, S और I, तो V और A की जगह क्या आ जाएगा, S और I आ जाएगा और लास्ट में जो R U N है वो एज इट इज यहां पे लिखे रहेंगे। ये सिंपल सा पॉइंट है str n cpy, ठीक है। देन हमारे पास आ गया फिफ्थ, str cmp, that is for the comparison। comparison का मतलब क्या है कि मेरे को अगर दो strings को आपस में compare करना है, यहाँ पे याद रखना कि अगर दोनों strings as it is बराबर है, guys याद रखना सिर्फ length नहीं, उनकी values भी बराबर है, उनकी values भी अगर बराबर है तो वो क्या आएगा, zero return करेगा। अगर string 1 मेरी छोटी है string 2 से, तो less than 0 कोई भी value print कर देगा, -1 -2 minus, कुछ भी minus value जो है वो print करेगा, और अगर string 1 मेरी क्या है, बड़ी है string 2 से, तो क्या कर देगा, greater than 0 value print कर देगा। मतलब example से देख लो, let's say string 1 है वरुण, string 2 है सिंगला, तो यहां पे अगर मैं str cmp string 1, string 2 अगर करता हूं, तो क्या होगा, string 1 क्या है, वरुण, string 2 क्या है, सिंगला, तो किसमें कैरेक्टर ज्यादा है, str c जो पहली है उसमें कितने कैरेक्टर है, 5, और दूसरे में कितने कैरेक्टर है, 6, यानी str 1 is less than str 2, तो यानी ये क्या रिटर्न करेगा, less than 0, मतलब कुछ भी -1 ले लो लेट से वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब यहां पे str 2 कर दूं और यहां पे str 1 कर दूं, तो अगर ये कंपेयर करेगा, तो यानी एक तरह से ये स्ट्रिंग बड़ी होगी, पहले वाली बड़ी हो गई, तो पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट कर देगा। और 0 कब प्रिंट करेगा, कि लेट से एक तरफ मेरा वरुण है और दूसरी तरफ भी मेरा क्या है, वरुण है, ये पॉइंट याद रखना, दोनों तरफ वरुण। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि लेट से एक तरफ मैं वरुण लिख दूं और दूसरी तरफ लेट से मैं लिख दूं तरुण,
तो है तो दोनों में पांच पांच करेक्टर, तो यानी ये बराबर है। नहीं गाइज, वैल्यू वैल्यू भी मतलब जो लिखा है उसके अंदर वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जीरो जो है वो प्रिंट होगा। ये पॉइंट जो है वो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। देन strcmpi, अभी आई के अंदर क्या आ जाता है, ये ऑल्दो ये आपकी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में है ना उसके अंदर डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी कंपाइलर बेस्ड है, कई जगह पे आपको मिल भी जाएगी। यहां पे बस एक ही डिफरेंस है कि ये जो है वो आपका एक तरह से जो केस सेंसिटिव है, ये बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब अगर लेट से यहां पे मैं वरुण लिख दूं, मतलब लेट से मैं एक तरफ लिख दूं वरुण, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं स्मॉल में लिख दूं वरुण, इस तरीके से एक तरफ कैपिटल भी लिखा एक तरफ स्मॉल भी लिखा, अगर मैं कंपेयर करूंगा, अगर मैं ये लगाऊंगा तो ये जीरो नहीं देगा, ये जीरो नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा। हाँ, ये सेम ट्रीट करेगा क्योंकि है तो वर्ग सेम ही वैल्यू, लेकिन एक तरफ मैंने एक लेटर बड़ा कर दिया दूसरी तरफ छोटा कर दिया, तो इन दोनों को ये अलग अलग ट्रीट करेगा ये वाला, लेकिन ये इन दोनों को सेम ट्रीट करेगा, बाकी की कहानी आपकी एज इट इज सेम। नेक्स्ट फंक्शन है str, क्या कह रहे हैं, रिटर्न्स पॉइंटर टू द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ str2 इन द स्ट्रिंग 1। लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है और उस स्ट्रिंग में, यहां पे मैं ये वाला एग्जांपल नहीं ले रहा, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, लेट से माय फर्स्ट नेम इज वरुण एंड लास्ट नेम इज सिंगला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रिंग ले ली str1 जो है वो, इतनी बड़ी स्ट्रिंग है मेरे पास, यहां पे मैंने लेट्स से इस तरीके से अगर लिखा कि str और यहां पे string1, string2 में लेट्स से मैंने ले लिया नेम, ठीक है, मतलब आप चाहे string2 ले लो और string2 में नेम डाल दो, या आप डायरेक्ट लेट्स से नेम यहां पे लिख दिया, तो यहां पे क्या कर रहा है, एक तरह से जो string2 है ना वो string2 को चेक कर रहा है कि क्या वो string1 के अंदर है या नहीं है। मतलब जैसे माई फर्स्ट नेम इज वरुण एंड माई लास्ट नेम इज सिंगला, तो ये देखो नेम चेक करेगा, नेम मतलब कि क्या इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे नेम स्ट्रिंग है, तो ये देखो जी यहां पे नेम स्ट्रिंग है, तो फर्स्ट टाइम वो कब अपीयर हो रहा है, पहली बार ये चीज कब आ रही है, तो पहली बार जहां पे भी आ रही है वहां से जो पॉइंटर है रिटर्न कर देगा। तो आप उसको क्या यूज कर सकते हो, आप अगर सिर्फ ये प्रिंट कराना चाहते हो कि यस क्या आपको मिला या नहीं मिला, तो आपको ये बता देगा। लेट्स से आप प्रिंट कराना चाहते हो उसके बाद, तो आपका नेम इज वरुण एंड लास्ट नेम इज सिंगला, मतलब इसके बाद की पूरी स्ट्रिंग जो है वो आपकी प्रिंट भी हो सकती है। तो आप जो भी इसको यूज करना चाहते हैं, इसने यहां से पॉइंटर जो है वो रिटर्न कर देना है। और दूसरा, अगर str में क्या है कि लास्ट वो कब अक्कर हो रहा है, मतलब यहां पे मैंने लेट से नेम ले लिया, अब मैं चेक कर रहा हूं कि क्या नेम मेरा स्ट्रिंग वन में कहीं पे है, तो ये जो मेरा str है वो फर्स्ट टाइम देखेगा कि कहां पे है नेम, और str क्या करेगा कि लेट से नेम यहां पे भी लिखा हुआ है और एंड नेम यहां पे भी लिखा हुआ है, तो लास्ट टाइम कब लिखा हुआ है, मतलब लास्ट कब लिखा हुआ है वो चेक करेगा। मतलब अगर एक स्ट्रिंग में कोई भी करेक्टर या कोई भी लेट से वर्ड जो है वो 3-4 बार लिखा हुआ है, तो जो आपका str है पहली बार कब लिखा है वहां से पॉइंटर दे देगा, और str लास्ट वो कहां पे लिखा हुआ है वहां से पॉइंटर दे देगा, तो यानी ये यहां से पॉइंटर रिटर्न करवा देगा आपका str। तो उसके बाद आप जो भी प्रिंट है वो प्रिंट कराना चाहते हो तो वो करा सकते हो, मतलब नेम ही सिंगला प्रिंट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ये चेक करना चाहते हो कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो वो भी आप एग्जिस्ट करवा सकते हो। Then, इसी से रिलेटेड है आपका strchr और strrchr, इसमें क्या है करेक्टर, उसमें हम स्ट्रिंग को मैच कर रहे थे कि क्या वो स्ट्रिंग मेरी एग्जिस्ट कर रही है दूसरी स्ट्रिंग में, यहां पे करेक्टर, जैसे अब यहां पे मैं लेट से वरुण ले लूं, अब यहां पे क्या है रिटर्न द पॉइंटर टू द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द करेक्टर, अब लेट से मैं ए चेक करना चाहता हूं कि ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पे देखो यहां से स्टार्ट करेगा चेक करना, यस ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां से पॉइंटर जो है वो रिटर्न कर देगा। तो आपको एक तो ये पता लग गया कि कहां पे है, पोजीशन क्या है, दूसरी पोजीशन है, तो सेकंड पोजीशन प्रिंट कराना चाहते हो या फिर आप उसके बाद का सारा वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो वो आप उसके बाद कर सकते हो। और जो आपका strrchr है वो लास्ट कब अक्कर हो रहा है, मतलब एक तरह से लेट्स से यहां पे तो एक ही बार वरुण लिखा हुआ, तो ये भी सेम ही रिटर्न करेगा,
लेकिन लेट्स से मैं अगर लेट्स से दो बार लिख दूं, मतलब वरुण ए सिंगला कुछ भी इस तरीके से मैं अगर लिख दूं, तो यहां पे वो क्या प्रिंट कर देगा, यहां पे वो प्रिंट करेगा कि लास्ट ए कब आ रहा है, तो लास्ट ए आपका यहां पे आ रहा है, तो ये पॉइंटर जो है वो प्रिंट करेगा। मतलब यहां पे देखो ए तीन बार आ रहा है, लेकिन ये पहला पॉइंटर मतलब पहली बार ए कहां पे आया वो प्रिंट करेगा, वो आपका रिटर्न कर देगा, और ये लास्ट टाइम ए कहां पे आया वो प्रिंट कर देगा। तो ये जो है वो डिफरेंस याद रखना। देन एसटीआर एलियन दैट इज फॉर द लेंथ। अब यहां पे जैसे मैंने वरुण ले लिया, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, लेंथ एक दो तीन चार पांच, पांच जो है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर लास्ट में नल करेक्टर भी होता है। अगर आप साइज ऑफ करते हो तो साइज ऑफ में 5 + 6, 5 + 1, 6 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि नल करेक्टर भी जुड़ेगा, लेकिन लेंथ के अंदर सिर्फ जितने करेक्टर हैं, क्योंकि जैसे ही नल दिखा वो स्टॉप कर जाएगा, तो वो वैल्यू जो है वो 5 प्रिंट कर देगा। देन एसटीआर LWR, that is for the lower, मतलब आपके पास कोई स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें कुछ करेक्टर बड़े हैं, मतलब कैपिटल में है या पूरी कैपिटल में है, मतलब वो सारों को क्या कर देगी, लोअर में प्रिंट कर देगी। और अपर का मतलब क्या है कि सारे करेक्टर्स को अपर में प्रिंट कर देगा, मतलब ऑलरेडी अपर है तो अपर में ही रहेंगे, लेकिन अगर कोई स्मॉल है तो वो सारे के सारे अपर में हो जाएंगे। इसमें तो कोई ज्यादा समझाने वाला है ही नहीं। देन एसटीआर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब क्या है कि एक स्ट्रिंग आपने उसमें ले रखा है, लेट्स से मेरी स्ट्रिंग है वरुण, अब लेट्स से आपने एक और स्ट्रिंग ले ली str2, ठीक है, अब आप चाहते हो कि जो 1 है वो 2 में मैं डुप्लीकेट कर दूं, मतलब वहां पे ले जाऊं, तो आप डुप्लीकेट कर सकते हो यूजिंग द str डुप्लीकेट। देन रिवर्स आ गया, रिवर्स भी क्या है, वही सिंपल, जैसे वरुण है तो ये NURAV, इस तरीके से अगर आप प्रिंट करना चाहते हो उल्टा प्रिंट हो जाएगा। देन str sct, सेट ऑल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग टू अ गिवन कैरेक्टर, मतलब लेट्स से मैं यहां पे सेट कर दूं कि मेरा वरुण कॉमा लेट्स से हैशटैग लगा दूं, तो क्या करेगा ये सारे नंबर्स की जगह जितने बार ये कैरेक्टर है उतनी जगह हैशटैग 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 हैश, ठीक है, मतलब किसी वैल्यू को आप वहां से रिप्लेस करना चाहते हो कितनी बार, बाय डिफॉल्ट उतनी बार। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, मतलब आप चाहते हो कि सिर्फ 3 कैरेक्टर्स को ही रिप्लेस करें बाकियों को नहीं, तो आप कॉमा डाल के लेट्स से मैंने 3 कर दिया, तो क्या करेगा पहले 3 मतलब हैश 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 VAR की जगह हैश हैश, और लास्ट में यू और एन आपका एज इट इज आ गया, सिंपल सी कहानी है। देन STRTOK, दैट इज फॉर द टोकनाइजेशन, मतलब मेरी लेट से कोई स्ट्रिंग है, जैसे यही ले लो आप, यहां पे मेरे पास स्ट्रिंग देर, ये वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं बड़ी स्ट्रिंग, जैसे माय नेम इज वरुण एंड लास्ट नेम इज सिंगला, तो आप कोई भी टोकन दे सकते हो। लेट्स से मैंने यहां पे इसके अंदर लेट्स से मैंने इस तरीके से लगा रखा है, माय नेम इज, यहां पे मैंने हाइफन लगा रखा है एंड इस तरीके से हाइफन लगा रखा है, तो आप बेस्ड ऑन दिस हाइफन टोकन में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब माय नेम इज पहला टोकन बन जाएगा, पहली स्ट्रिंग को कन्वर्ट हो जाएगा, वरुण एंड लास्ट नेम दूसरा टोकन बन जाएगा, और इज सिंगला तीसरा बन जाएगा, तो बेस्ड ऑन दिस हाइफन ये स्ट्रिंग को तोड़ देगा, स्ट्रिंग को टोकन्स में टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा, तो पहला ये बन गया एक तरह से, दूसरा आपका वरुण एंड यहां तक बन जाएगा, और तीसरा आपका टोकन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। वो आपको मेंशन ही करना पड़ेगा कि आप किस पॉइंट के बेसिस पे टोकन में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो एक बार इसको जो है वो कोई भी आप एग्जाम की या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम की या फिर इंटरव्यूज की भी तैयारी कर रहे हो, तो एक बार जरूर इस वीडियो को चेक करके जाए। थैंक यू।